हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने का मौका मिला है। बिजी थे थोड़े काम में। आज आपको बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पर लेके चलेंगे, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। आज काफ़ी दिनों बाद फ्री हुए तो मैंने सोचा आज एक व्लॉग बना ही ले। मिलते हैं आपको आगे अच्छी लोकेशन पर कहीं चल के, बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइज फिलहाल पहुंचे हैं चौपाटी पे, देख सकते हो। यहाँ पे बोट खड़ी है, ये जाती है वो बीच में टापू दिख रहा होगा आपको पीछे मेरे, वहाँ तक जाती है। यहाँ से वहाँ जाने का किराया लगभग 150 रुपये है, अलग अलग बोट का अलग अलग किराया है। अभी तो ये फिलहाल बंद है, वहाँ पे भी लेके चलते हैं आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। जब भी चालू होगी तब वहाँ बीच के अंदर भी लेके चलेंगे आपको। पिछले वीडियो में देखा होगा, इधर का व्यू दिखाया भी था मैंने उस तरफ का। आज दूसरी साइड में आए हैं, यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। देख सकते हो वो भैया अंदर चल गया, वहाँ बोट के पास जा रहा है फ़ोटो शूट करना, वो खड़ा वहाँ पर। जबरदस्त वाला व्यू आ रहा है यहाँ से, चारों तरफ पहाड़ है। बीच के अंदर ये झील है और इस झील के चारों तरफ सिटी, पूरी सिटी झील के चारों तरफ है और सिटी के चारों तरफ पहाड़ है। ये सिटी एक ऐसी है जो पूरी चारों तरफ पहाड़ से घिरी हुई है, देख सकते हो आप। किसी भी तरफ में घुमाऊं पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे आपको। चलो वो अंदर चल के देखते हैं व्यू क्या है। देख सकते हो ये बोट पे जाने का रास्ता, शायद आपको मछलियां नजर आ रही होगी। जूम करके दिखाता हूँ अंदर पानी के, नहीं कैमरे में नहीं आ रही है। देख सकते हो हल्की हल्की दिख भी रही है। देख सकते हो आप, वो सब गायब हो गई। वहां पे भी है, जोर बोल कहीं वहां पे। ये मशीन है जो गंदगी को साफ करती है झील के अंदर से, पानी के अंदर से। जलकुंभी है, बोतलें वगैरह कचरा, ये इसी के अंदर ही रहती है। साफ करने की मशीन है ये, पानी की सफाई करती है। देख भी सकते हो ये बोतलें वगैरह जलकुंभी। वो एक बोट जा रही है गाइस वहाँ पर, देख सकते हो आप, जो 20 टापू में जाएगी वो जा रही है बोट, फुल भरी हुई है। अब वो वहाँ आपकी नज़र जा रही है, बीच में एक टापू दिख रहा होगा आपको, यह टापू यहाँ तक जाएगी। वहाँ आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं लेके जाते हैं या वहाँ भी बंद है। वैसे चल तो रही है, वो जा तो रही है एक बोट। चलो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। कानू जोड़ बोलो, देख यार वीडियो बना दूँ ना, क्यों ना शॉर्ट वीडियो मोबाइल जमा कर लूँ। बोट आ रही है वापिस। ऊपर आई है पूरी, देख कौन यार।
आप देख सकते हो गाइज सारी मछलियाँ छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इनमें है कोई कोई मछली बड़ी जो सभी ऊपर आ रखी है अभी। वही पानी का बहाव तेज होने के कारण सारी मछलियाँ गायब हो गई है। बोट स्टेशन जो यहाँ आके सारी बोट खड़ी होती है और फिर यहाँ से निकल के सीधी वहाँ बीच में टापू पे जाती है। यह है बोट स्टेशन, सारी बोट यहीं पे ही है अभी फिलहाल, तो कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ से जाने वाला, सभी एक जगह खड़ी है बोट। गाइस अभी पहुँचे हैं चौपाटी के पास, ये गार्डन है जहाँ तिरंगा झंडा लगा हुआ है वहाँ पे पहुँचे हैं। और ये अपनी पुरानी जिप्सी है, पुरानी जिप्सी। इधर भाई रेस्ट कर रहा है, घूमते घूमते थक गया, रेस्टिंग पे है, रेस्ट कर रहा है आराम से। देख सकते हो अच्छा गार्डन है, शांत माहौल है, घूमने के लिए आराम से बैठ सकते हैं। ये सामने है श्रीनाथ मॉल जो जस्ट गार्डन के सामने है, बीच में रोड है। बाकी अच्छा है रेस्ट करने के लिए गार्डन, ठंडी जगह है। ये तिरंगा लगा हुआ है, ऊपर भी लेके चलते हैं क्या है ऊपर। ऑफरोडिंग कार बैठने के लिए स्टैंड देख सकते हो, सब लकड़ी की स्टैंड बना रखी है। ये फवारे पानी देने के लिए, इंडिया लुप्पा जाएगा जो गर्मी के टाइम चलते रहते हैं, बाकी सर्दी में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी देने की। ये ऊपर आके रेस्ट करने लग गया, पहले नीचे बैठा था। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। बड़ा जबरदस्त वाला व्यू आ रहा है यहाँ से, देख सकते हो गाइस। अच्छी लोकेशन है फोटो शूट के लिए। चलो गाइस अब चलते हैं वापस, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे का व्यू, लोकेशन कहाँ पे जाते हैं कब नहीं जाते हैं, अगले पार्ट में बताएंगे आपको। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।